जन जन की आवाज़ जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद है प्रयास इंडिया कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और फाउंडर अमरीश, जिनसे हम जानेंगे कि यूपीएससी से जुड़ा हुआ बहुत सारा मिथ होता है, जैसे आपको 18 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, जो भी कुछ है डाउट्स वो हम क्लियर करें। हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत आए थे कि इस तरह के डाउट आप क्लियर करने की कोशिश करिए। अमरीश जी, सबसे पहले बताइए, ये जो क्या 18 घंटे पढ़ के हम यूपीएससी निकाल सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। जी मैम, थैंक यू। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये मायने नहीं रखता है कि हम कितने आवर्स पढ़ते हैं, ये मायने रखता है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं और हम उसको डेडिकेटली कितने अच्छे से तैयार किए हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि अगर कोई टॉपिक है, मान लेते हैं प्रीएम्बल, और उससे 2-3 क्वेश्चन ही आए हैं लास्ट 20 ईयर्स में, आप उसके लिए कितने भी आवर्स देंगे, मे बी क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। अगर कोई दूसरा टॉपिक है फंडामेंटल राइट, उससे हर साल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो यू शुड प्रिपेयर वेल फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि वेटेज क्या है, और नंबर 2 कि आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आवर्स बिताने से नहीं होगा, आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, और इसके लिए हमारी R&D टीम काफ़ी काम करती है। तो 18 आवर्स पढ़ना ऐसा नहीं है, हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो 4-5 घंटे पढ़ के भी सिंगल डिजिट में रैंक लाएँ। यानी फिर मिनिमम कितना आवर डिवोट, एक स्टैंडर्ड डिवोट करना चाहिए, निकालना चाहिए? मुझे लगता है कि कम से कम आपको 4-6 घंटे तो देने ही चाहिए। यस। इसके अलावा एक होता है कि अगर आप जॉब में हैं, कई बार 9-to-5 जॉब में लोग रहते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा रहता है कि जॉब करना पड़ता है, तो वो लोगों को लगता है अरे वो तो दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, क्या कहेंगे? जी मैम, कंसिस्टेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर सपोज आप जॉब में भी हैं और सुबह भी 2 घंटे निकालते हैं, शाम में भी 2 घंटे निकालते हैं, एंड यू आर कंसिस्टेंट, ओके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यूपीएससी के, आप सिलेबस को देखेंगे तो जो स्कोरिंग पेपर्स है वो बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो आप बहुत सारी चीज़ें जॉब से भी इनडायरेक्टली लर्न करते हैं। रही बात सब्जेक्ट मैटर की, थ्योरी पोर्शन की, एंड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिसको आपको पढ़ना ही होगा, तो अगर आप डेडिकेटली एटलीस्ट 2 आवर्स मॉर्निंग दे देते हैं, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट आप 2 घंटे दे देते हैं, तो जॉब में रहते भी आप क्लियर कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने क्लियर किया है। ऐसे लोगों ने क्लियर किया? जी बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे ऐसे क्लियर किए हैं। इसके अलावा जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, ये उनका क्या डाइट भी कुछ अलग होता है क्या? आप डाइट पे क्या, क्योंकि बहुत सारा हम देखते हैं ना, बच्चे यहाँ से पढ़ के जाते हैं, बाहर में जंक फूड खाते हैं, तो आपको लगता है डाइट और स्लीप ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिसाइड प्रिपरेशन? जी 100%, बिकॉज ये बोला भी जाता है कि साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी, ओके। तो आपको आई पर्सनली सजेस्ट टू एवरी स्टूडेंट कि आप अपने हेल्थ को मेंटेन रखिए, आप थ्रू आउट द ईयर आपके हेल्थ को मेंटेन रखना है, तो इसके लिए आप खाना जंक फूड तो अवॉइड करना चाहिए, और एट द सेम टाइम योगा या रेगुलर एक्सरसाइज है वो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आपको कम समय में अच्छा परफॉर्म करना है, एफिशिएंट रहना है, तो आपको एक हेल्दी बॉडी मेंटेन। एस्पिरेंट्स होते हैं, ये उनका क्या डाइट भी कुछ अलग होता है क्या? आप डाइट पे क्या, क्योंकि बहुत सारा हम देखते हैं ना, बच्चे यहाँ से पढ़ के जाते हैं, बाहर में जंक फूड खाते हैं, तो आपको लगता है डाइट और स्लीप ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिसाइड प्रिपरेशन? जी 100%, बिकॉज ये बोला भी जाता है कि साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी, ओके। तो आपको आई पर्सनली सजेस्ट टू एवरी स्टूडेंट कि आप अपने हेल्थ को मेंटेन रखिए, आप थ्रू आउट द ईयर आपके हेल्थ को मेंटेन रखना है, तो इसके लिए आप खाना जंक फूड तो अवॉइड करना चाहिए, और एट द सेम टाइम योगा या रेगुलर एक्सरसाइज है वो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आपको कम समय में अच्छा परफॉर्म करना है, एफिशिएंट रहना है, तो आपको एक हेल्दी बॉडी मेंटेन करना होगा। एक बात बताइए सर, एक पूरा का पूरा GS पेपर प्लस ऑप्शनल मिला के एक आइडियल टाइम क्या होना चाहिए पूरा कंप्लीट करने के लिए? जी समय तो ऐसा है कि आप कितना भी पढ़ेंगे खत्म नहीं होगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो टॉपर्स भी 55% के रेंज में स्कोर करते हैं जो रैंक 1 होते हैं। तो बेसिकली आपको ये पहले डिसाइड करना होगा कि क्वेश्चंस ज़्यादा कहाँ से पूछे जाते हैं, और आइडियली अगर उस पर्सपेक्टिव आप प्रिपेयर करते हैं तो आई वुड से कि 8 मंथ्स आपको टारगेट करना चाहिए कि मुझे सिलेबस को ख़त्म करना है बाई एनी हाउ, तो ही आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। 8 months। और इसके बाद मॉक की क्या भूमिका होती है? कई बार सिलेबस खत्म रिवाइज हो गया, एग्जाम में बैठ गए। मॉक की काफ़ी अहम भूमिका होती है, क्योंकि मॉक इस मतलब अ टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस, ओके। तो आप जो पढ़े हैं वहाँ पे आप मिस्टेक कर जाएंगे, ओके। तो बेसिकली मॉक तो आपको बहुत देना चाहिए। आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे, कई सारे महिलाएं जो शादी हो गई और उसके बाद वो सपने को छोड़ देती है, क्या क्या कहेंगे ऐसे एस्पिरेंट्स को? जी मैं कहूँगा कि बिल्कुल सपने नहीं छोड़िए, ठीक है। सपने तो लोग जो है ना अंत तक देखते हैं, और अगर आप एलिजिबल हो, अगर आपकी एज लिमिट बची हुई है और आप क्वालिफाई कर रहे हो, ग्रेजुएट हो, तो आपके मन में है तो आप ज़रूर तैयारी कीजिए, ओके। तो आप
आपने साफ तौर पर सुना अमरीश जी से कि सपने मत छोड़िए, और इसके साथ ही कोई ज़रूरी नहीं है आप जॉब में है तो आप निकाल नहीं सकते, सुबह 2 घंटे शाम 2 घंटे यानी 4 घंटे भी कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं 1 दिन 12 घंटे पढ़ लिए और 3 दिन आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं चले, कंसिस्टेंसी की है यहाँ पर। और साथ ही फूड और योगा ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर हेल्दी रहेंगे तभी थ्रू आउट आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएन भारत। मैं शिखा सर अपने सहयोगी राशिका बजाज के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।